ताजा खबरें। नागपुर में अवैध शाहूकारों से त्रस्त होकर ढाबे संचालक ने गटका जहर। वहीं वाड़ी नगर परिषद सदस्य है प्रताड़ित। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह घटना बुधवार तड़के में हुई है। इस घटना के बाद से ढाबा संचालक की हालत नाजुक बनी हुई है। 40 घंटों के बाद भी वाड़ी पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है। मामले में वाड़ी नगर परिषद की महिला सदस्य और उनके परिजनों का नाम सामने आने से पुलिस के मौके साधने की चर्चा है। वर्धमान निवासी 56 वर्षीय मंजीत सिंह टिटका कलमेश्वर के 18 मेल में ढाबा है। मंजीत सिंह की पत्नी सुराबड़ी में पंचायत सदस्य है। वह अपमानित से आहत होकर यह कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। वहीं दूसरी ओर से नागपुर से खबर आ रही है। रेलवे स्टेशन पर फोर्ट्रेस टिकट जांच अभियान शुरू। 55 कर्मियों ने वसूले हैं 2 लाख रुपए। मध्य रेल मंडल द्वारा नागपुर रेलवे स्टेशन पर गत दिवस फोर्ट्रेस टिकट जांच अभियान चलाया गया है और साथ ही 5 दिन बंद रहेगा रेलवे फाटक। नागपुर मध्य रेल मंडल के खापरी अजनी के दरमियान लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 120 स्पेशल सोमलवाड़ा गेट किलोमीटर 830 व 8 से 10 के बीच में 18 से 22 अक्टूबर तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अस्थायी बंद रखा जाएगा। रेलवे ने सड़क उपयोगकर्ता से रेल प्रशासन को सहयोग देने की अपील की है। वहीं दूसरी ओर से खबर आ रही है। नागपुर कोंडाली से देसी बम के धमाके में एक युवक की मौत, 2 घायल। कोंडाली का यह मामला दर्शाया जा रहा है। फसलों की जंगली जानवरों की रक्षा के लिए देसी बम बनाते समय उसमें विस्फोट होने से एक युवक की मौत हो चुकी है जबकि 2 गंभीर रूप से घायल है। यह घटना कोंडाली तहत काटोल थाने के तहत आगर गांव में हुई है जहां प्रेम सिंह पवार 53 साल के हैं और मृतक जबकि श्रावण जाधव 70 वर्ष के बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।